पंजाब समेत हिमाचल में भी हाई अलर्ट कल से जारी कर दिया गया है, लेकिन हिमाचल एक्सप्रेस की टीम ने जब ऊना के साथ लगते हिमाचल पंजाब सीमा का दौरा किया तो वहां पर हाई अलर्ट होने के बावजूद भी कोई भी सुरक्षा कर्मी दिखाई नहीं दिया। आपको बता दें, हिमाचल एक्सप्रेस की टीम ने आज जिला के 11 में से 9 सीमा क्षेत्रों का दौरा किया, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर खास करके जिला ऊना में कोई भी पुख्ता इंतजाम दिखाई नहीं दिए। आज हम पहुंच चुके हैं हिमाचल के गगरेट बॉर्डर पर। कल अमृतसर में आतंकी हमला होने के बाद पंजाब के बाद अब हिमाचल में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, और आप देख सकते हैं मेरी दोनों ओर यहाँ पर सुरक्षा के कोई भी प्रबंध नहीं किए गए हैं। वैसे तो प्रशासन बड़े बड़े दावे करता है, पर यहाँ पर प्रशासन का कोई भी दावा झूठे साबित हो रहे हैं। यहाँ पर कोई भी सुरक्षा के कोई भी कड़े इंतजाम नहीं है, और कोई भी पुलिसकर्मी यहाँ पर मौके पर मौजूद नहीं है। ना वीडियो में साफ तौर पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर बैरियर तो लगे हुए हैं, पर यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार की चेकिंग ना की जा रही है और ना भी कोई पुलिसकर्मी मौजूद है। तो ऐसे तौर में साफ तौर पर हिमाचल सरकार व हिमाचल पुलिस की नाकामियाँ भी देखने को मिल रही है। आज हम पहुँच चुके हैं मैकपुर बैरियर गेट पे, जो कि हिमाचल और पंजाब का जो है वो बॉर्डर है। यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था जीरो है एकदम, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक पुलिस कर्मचारी ही तैनात है। आज हम पहुंचे हैं पंजाब हिमाचल के बॉर्डर, जो बॉर्डर सीमा है वहां पर, पंडोगा इस जगह का नाम है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है मेरे पीछे, ये पंडोगा का है। यहां से होशियारपुर, ये पंडोगा मार्ग काफी समय से लगातार रात दिन चलता है। अमृतसर में हुए जो बम विस्फोट है उसके बाद पूरे प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की नज़र से अगर देखा जाए तो आज हिमाचल एक्सप्रेस की टीम पूरा जिला ऊना से आपको कवरेज दिखा रही है, पूरे ऊना जिला की, क्योंकि ये सीमावर्ती क्षेत्र है और लगभग हर 20 किलोमीटर बाद इसका जो एरिया है वो पंजाब के साथ लगता है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो सामने आपको दिखाई दे रही है पुलिस चौकी। पुलिस चौकी रोड हेड पे होने के बावजूद भी यहाँ पर कोई भी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। बैरिकेड जरूर लगे हैं, लेकिन कोई भी पुलिस मुलाजिम हमें किसी भी 5 के 5 बैरियरों पे नाराज दिखे हैं, कोई भी एक भी पुलिसकर्मी हमें नहीं दिखा। लेकिन जबकि प्रदेश सरकार ने इसको हाई अलर्ट पे रखा है, और आपको मालूम है कि कल अमृतसर में जो विस्फोट हुआ था उसमें लगभग 3 लोगों की जान गई थी, 23 लोग उसमें गंभीर रूप से घायल हुए थे। उसके उपरांत हिमाचल प्रदेश सरकार ने बॉर्डरों के ऊपर निगरानी रखने के लिए निर्देश जारी किए थे, लेकिन अभी तक कोई भी यहाँ पर पुलिस मुलाजिम जो है सामने, जबकि रोड से बिल्कुल मात्र 100 मीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन है, लेकिन पुलिस कर्मी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। सर, हाई अलर्ट जारी किया गया है, अमृतसर में भी आतंकी हमला हुआ है और पंजाब में भी कल गोलीबारी हुई, तो क्या कहना चाहेंगे? अमृतसर में जो पिछले कल घटना हुई है उस संदर्भ में ऊना पुलिस ने भी एक अलर्ट जारी किया था सभी थाना और चौकी इंचार्जेस को कि वो अलर्ट रहें अपने एरियाज में, अपने जो है वो सेकेंड जो हमारे नाका और बैरियर्स हैं, जैसे महतपुर बैरियर है, गगरेट है, ये पंडोगा में वहाँ पे भी जो हमारे कर्मी हैं, पुलिस कर्मी हैं, वो लगातार गाड़ी की चेकिंग कर रहे हैं, और पूरे डिस्ट्रिक्ट में ही सभी थाना चौकी और बैरियर्स को ऑलरेडी हमने अलर्ट पे रखा है। सर, आज हिमाचल एक्सप्रेस की टीम यहाँ गई थी बैरियर्स पे, पर लेकिन वहाँ पर कोई भी नाका नहीं दिखाई दिया और ना ही पुलिस कर्मी दिखाई दी। ठीक है, अगर इस तरह की कोई चीज़ सामने आई है तो अवश्य ही उस चीज़ में हम थाना और चौकी इंचार्जेस को पूछेंगे कि अगर इस तरह का कुछ वाक्य आया है तो हम निश्चित तौर पे उनसे जवाब तलबी की जाएगी। सर, कल पंजाबर में भी देर शाम पंजाब से सुनने में आ रहा है कि गाड़ी नंबर पंजाब की थी, वो आई और गोलियां चलाकर वो निकल गए, तो क्या कहां तक कार्रवाई पहुंची है? देखिए, इस मैटर में ऑलरेडी हमने एक FIR रजिस्टर की है, जिसमें DSP हरोली जो है वो आज भी मौके पे टीम को लेके गए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके अलग अलग एंगल से पुलिस जो है छानबीन कर रही है। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए ऊना से पंकज कत्ना की रिपोर्ट।